हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज ही को नई धमाकेदार वीडियो रहेगा, तो आज वीडियो बनेगा वीडियो वाला बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज का हमारा वीडियो वाला सभी भाइयों के फेवरेट टॉपिक पर, क्योंकि सभी भाइयों को ताइए तकड़ा डोला था भाई। तकड़ा डोला करने के लिए भाई बहुत भाई क्या जिम में जाते हैं या फिर घर पर वर्कआउट करते हैं, तो भाई बाइसेप के एक्सरसाइज ज़्यादा पहनते हैं, तो भाई इससे आपका डोला तकड़ा नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो आर्म्स में 30% हिस्सा बाइसेप का होता है भाई, 70% ट्राइसेप का होता है। तो भाई ट्राइसेप को तकड़ा करने के लिए मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा, जो कि आपके ट्राइसेप को ही तकड़ा करने में और मोटा करने में और कटिंग में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मत करेंगे भाई। बहुत भाई क्या है कि मतलब ढीली टी शर्ट भी पहनते हैं, तो भाई मतलब उनका ट्राइसेप तकड़ा होता है ना, तो ये मछली से अलग ही चमकती है। तो भाई आपकी ट्राइसेप नहीं होगा तो भाई आपका डोला तकड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा डोला तकड़ा दिखने के लिए 70% से ट्राइसेप का होता, तो भाई हमारा डोला जब भी तकड़ा चमकता है। और भाई मतलब आपका ट्राइसेप है तकड़ा और आपने मतलब टाइट सी भी टी शर्ट पहली और ढीली टी शर्ट पहली, तो भाई कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपका डोला तकड़ा होना बहुत जरूरी। डोला तकड़ा तब होगा जब आपका ट्राइसेप तकड़ा होगा, वो ऐसा डोला तकड़ा दिखाना कि भाई बहुत मतलब बहुत भाई को सपना तो भाई मैं कहीं पर भी गुजरूं भाई मुझे एकदम देखेंगे, तो भाई जब देखेंगे जब आपका डोला तकड़ा होगा। तो भाई आपको डोला तकड़ा ही करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा ट्राइसेप तकड़ा करने के लिए, तो आइए ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो इडले रखी हैं और बॉडी वेट के साथ पूरे ट्राइसेप को तकड़ा कर देंगे, ट्रेन कर देंगे, मस्कुलर कर देंगे, तो आइए ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। कोई वर्कआउट के बाद मैं आपको कुछ डाइट भी बताऊंगा, जो कि आपकी मसल बनाने में ट्राइसेप की बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो हम पहले एक्सरसाइज लगाएंगे। पहले एक्सरसाइज भाई कहीं पर भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब रेस लगा रहे हैं या फिर कोई भी मसल के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले भाई आपको अपनी मसल को मतलब वो करना है वार्म अप करना। तो भाई हम किसी भी चीज़ का वर्कआउट करें तो भाई उसका वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हम इंजरी से ही बचे रहेंगे और हम वर्कआउट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में पहले थोड़ा दोनों हैंड से आपको ट्राइसेप को चलाना है, इसलिए हमारी मसल खुल जाएंगी और हमारा एकदम ब्लड वहाँ पर मसल पर पहुँच जाएगा और हमारा जो ब्लड है एकदम तेज़ी से चल पाएगा। तो अब हमें पहले एक्सरसाइज लगानी है। इस कंडीशन में मैंने यहाँ पर एक लीटर ईंट रखी है और सभी आइयों के घर ईंटें तो उपलब्ध होती हैं, तो इस कंडीशन में तो आपको सीधा रहना, कि भाई बहुत भाई गाई ये कर दें भाई, ऐसा नहीं करना एकदम पूरा एकदम ट्राइसेप लोड डालना। इस कंडीशन में सिलो नीचे सिलो एकदम पूरा स्क्यूज करना, पूरा एकदम होल्ड करना, तो आपके ट्राइसेप पे लोड आना बहुत जरूरी है। स्क्यूज पूरा पीछे स्क्यूज करना, ये होल्ड करना थोड़ा स्क्यूज, और आपको पूरा ऊपर लेना है, कि भाई इससे हमारे बाइसेप पे लोड आया, तो हमें बाइसेप ट्रेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम ट्रेन कर रहे हैं अपने ट्राइसेप को, तो भाई ट्राइसेप पे पूरा लोड डालना। इस कंडीशन में यहाँ पर हाथ रखना स्क्यूज और दोनों हैंड से आपको सैम रेपिटेशन निकालने हैं, तीन चार सेट के साथ सैम रेपिटेशन, और 15-20 रेपिटेशन आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम, जब तक आपकी मसल पे लोड ना आए, तो भाई आपको एकदम वर्कआउट करते रहना। इस कंडीशन में पूरा एकदम पीछे की तरफ रहना, स्क्यूज करना पूरा, बाजू सीधा करना स्क्यूज पूरा एकदम स्क्यूज स्क्यूज। तो इस कंडीशन में पूरा एकदम ट्राइसेप लोड डालना है इस कंडीशन में। तो हम लगाएंगे अगले एक्सरसाइज, जो कि हमें लगानी है इस कंडीशन में। तो हमें यहाँ पर एक ईंट को रख लेना, ईंट रख लिया हमने यहाँ पर, और आपको इस कंडीशन में ईंट को पकड़ना है टाइट करके, ईंट पकड़ना टाइट करके, पूरे सिलो देना नीचे, पूरा ट्राइसेप लोड डालना इसके यूज करना, पूरा ट्राइसेप लोड है इस कंडीशन में, ये पूरा ट्राइसेप लोड डाल के इस कंडीशन में। तो इसके भी हमें 3-4 सेट लगाने मैक्सिमम, और रेपिटेशन आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं उतना निकालें, पूरा एकदम ट्राइसेप को टारगेट करें, क्योंकि हम यहाँ पर जो वर्कआउट कर रहे हैं वो ट्राइसेप के लिए ही मेनली कर रहे हैं, तो हमें करना ट्राइसेप को ही टारगेट करना, पूरा ट्राइसेप को टारगेट करना। और हम लगाएंगे अगले एक्सरसाइज, जो कि हमें लगानी है इस कंडीशन में। तो हम फिर से दोनों ईंटों को ले लेना इस कंडीशन में, और हमें यहाँ पर बैक की पोजीशन में आना इस कंडीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में, बॉडी को होल्ड करना, सिलो नीचे सिलो स्क्यूज ऊपर इस कंडीशन में। तो ये हमारे इस कंडीशन में ये किक बैक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लिए ट्राइसेप के लिए, एकदम पूरा कटिंग में लाने के लिए इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में। तो इसके भी आपको 3-4 सेट लगाने मैक्सिमम, और रेपिटेशन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। और अब हम लगाएंगे अगले एक्सरसाइज, जो कि हमें पीठों को साइड करना ये इस कंडीशन में साइड करना, और सिंगल सिंगल हैंड से लगाएंगे इस कंडीशन में, और आठों को वाइड करेंगे इस सिंगल नीचे गई इसके उस पूरा एकदम सिंगल सिंगल हैंड से, इस पर हमारे ट्राइसेप पे ज़्यादा लोड आएगा इस कंडीशन में, ये वाइड हाथ करने सिंगल सिंगल हैंड से पूरा एकदम सीधा करना, ये सिरो नीचे इसके ऊपर
तो इससे हमारे एकदम जो हमने दोनों हैंड से लगाया था तो उससे ज़्यादा लोड पड़ता है इस पर, पूरे एकदम बॉडी का ही लोड है। तो भाई बॉडी का लोड तो आप उठा ही सकते हैं आसानी से। तो ये वर्कआउट हो चुका फाइनल, और अब हम लगाएंगे आखिरी और फाइनल एक्सरसाइज जो कि हमें लगानी इस कंडीशन में। तो मैं हाथों को थोड़ा शोल्डर के सामने रख रहा हूँ, ये इस कंडीशन बॉडी को सीधा, सिरो नीचे, इसके ऊंचे ऊपर, इस कंडीशन में सिरो नीचे, इसके ऊंचे सिरो नीचे, इसके ऊंचे एकदम इस कंडीशन में, ये। तो इसके भी आपको नीचे सात सेट लगाने हैं मैक्सिमम, वो रेपिटेशन आप जितने निकाल सकते हैं इतना निकालें। तो ये वर्कआउट हो चुका फाइनल, वो ट्राइसेप एकदम पूरा ट्रेन हो चुका है। तो ये अब बात कर लेते हैं डाइट की, कभी बहुत भाई क्या है कि मतलब ये मतलब घर की डाइट से ही मतलब थोड़ा वो करते हैं, मतलब अधिका जाते हैं। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना, घर की डाइट को आप घर की डाइट से ही अपना मसल बना सकते हैं, मतलब वजन बढ़ा सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपकी एक आध हफ्ते में बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा तो होने वाला बिल्कुल नहीं। आपको दो से तीन महीने कोशिश करनी पड़ेगी, कोई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो वर्कआउट के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है हाई प्रोटीन डाइट की, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट का यूज़ करना है। तो जब ये हमारे एकदम मसल मोटी होंगी और ताकड़ी होंगी और स्वेप में होंगी, तो इस वर्कआउट को फॉलो करो, जो मैंने आपको डाइट बताई इसको फॉलो करो अच्छी तरीके से, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक लानी है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद और वंदे मातरम।